प्रभु श्री राम हनुमान जी के हृदय में सत्य कहा था हनुमान जी ने, धन्य है हनुमान। जिस विध दिन कर्म प्रकाशा सो कपि उर्मह राम निवासा अवध बिहारी श्री रघुराई रोम रोम बजरंग बसाई राम सिया राम जय हनुमान राम सिया राम जय हनुमान। बक्ष चीर के छब दर जाई रामचंद्र अरु सीता माई अचरज मह पड़े सब नर नारी राम भक्त हनुमत जय तुम्हारी हनुमान की परम भक्त शिरोमणि हनुमान की। इस सृष्टि के समस्त इतिहास में भूत वर्तमान और भविष्य में हनुमान जैसा राम भक्त ना ही हुआ है और ना होगा। प्रभु भक्ति और श्रद्धा के सर्वोच्च प्रतीक हैं हनुमान। राम भक्त हनुमान, मेरे एक प्रश्न पर आपने अपने हृदय से प्रभु को प्रकट कर दिया, अब मैं तो क्या अनंत काल तक आपकी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। आपके हृदय में राम, आपकी आत्मा में राम, आपके रोम रोम में राम है। पूर्ण रूप से श्री राम में है आप। ये आज मेरे ही नहीं इस संपूर्ण संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया आपने। आप धन्य है हनुमान। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। स्वामी, अपने भोले हनुमान को देखिए, आपकी भक्ति में ऐसा लीन है कि पीड़ा का तनिक अनुभव भी नहीं हो रहा है उसे। हे त्रिदेव, हे त्रिदेवियों, आप सभी से मेरी विनती है कि इस मुस्कुराते प्रभु भक्त की समस्त पीड़ाओं को हर लीजिए।
हनुमान मत छुओ इन मोतियों को, छोड़ दो इन्हें। तुमने सत्य कहा था, ये मोती कितने ही अनमोल क्यों ना हो, परंतु आज राज्यसभा में तुमने अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के जो मोती बिखेरे हैं, उसके सामने इन अनमोल मोतियों का भी कोई मोल नहीं हनुमान। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अपने वक्ष को चीर कर प्रभु श्री राम की छवि दिखाने के तुम्हारे इस पराक्रम की कथा तब तक कही जाएगी जब तक संसार में प्रभु श्री राम की गाथा गाई जाएगी। अर्थात प्रलय काल तक इस घटना का उल्लेख अनेकों प्रकार से होता रहेगा। राम भक्त हनुमान की जय, राम भक्त हनुमान की जय, राम भक्त हनुमान की जय। हनुमान ने एक छोटे से प्रश्न से प्रेरित होकर अपने उर में बसी भक्ति को अपना वक्ष चीर कर दिखा दिया, अर्थात जिनकी सोच में भक्ति हो उनके मन में राम मिल ही जाते हैं, एवं जिनकी सोच में खोट हो उनके हृदय से रावण रूपी राक्षस ही उत्पन्न होते हैं। सोच बदलेगी शत्रु मिटेगा। निशाचरी सोच का संचार करने, शत्रुओं का संहार करने आ गया निशाचर निकम। निशाचर निकुंभ तुम्हें आदेश देता है, एकत्रित हो जाओ यहाँ। राक्षसों को इस विपदा काल में कौन पुकार रहा है? कौन हमें पुनः एकत्रित करना चाहता है? वो आ गया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, जो पुनः राक्षसों का उद्धार करेगा। देखो ये संकेत, देखो
सुनो, ये स्वर सुनो, वही रक्षा करेगा हमारी। शीघ्र चलो उसके पास। शीघ्रता करो। प्रभु, आज आपने राज्य भार संभाला है, इससे बड़ा उपहार भला कहां मिल सकता था मुझे। प्रभु, मेरी तो मात्र इतनी इच्छा है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना आपने की है, मैं उसकी स्थापना में अपना योगदान दे सकूं, ताकि संसार के कोने कोने में विस्तार हो राम राज्य की सोच का। निशाचरी राक्षसी सोच का विस्तार होगा सृष्टि के कोने कोने में, जिसके लिए मैंने विश्व के कोने कोने से तुम्हें बुलाया है। क्योंकि जब बदलेगी सोच तो मिट जाएगा शत्रु। वही छल करेंगे हम, उसी कपट माया को अपनाएंगे हम, जिससे विष्णु ने त्रिपुरासुरों का अंत किया था। तारकासुर के तीन पुत्र विधुनमति, तारकाक्ष और कमलाक्ष त्रिपुरासुर राक्षसों के तीन महानायक थे, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने और त्रिलोक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के सुझाव पर कठोर तप कर प्रभु ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया। फिर आकाश में स्वर्ण दुर्ग से तारकाक्ष स्वर्ग पर, पृथ्वी और आकाश के मध्य रजत दुर्ग से कमलाक्ष धरती पर, और धरती के नीचे लोह दुर्ग से विंदुनमति पाताल पर राज करने लगे। और इनके राजकाज में हम राक्षसों की समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। परंतु दुष्ट देवताओं से ये ना सहा गया और वो दौड़े दौड़े शिव के पास गए। परंतु शास्त्र विधि से शिव भक्ति करने वाले राक्षस कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे थे, इसलिए देवताओं को महादेव के पास से रिक्त हाथों वापस लौटना पड़ा। फिर निराश हताश देवता मायावी विष्णु के पास गए। उन्हें ज्ञात था कि जब तक त्रिपुरासुर धर्म और सदाचार के पथ पर अग्रसर रहेंगे, उनका विनाश नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें नष्ट करने के लिए उनकी सोच बदलनी होगी, जिसके लिए अपने महल से विष्णु ने एक मायावी अस्तित्व को रचा। के उपरांत उस अस्तित्व ने अपने नाम और अपने जन्म का प्रयोजन पूछा, तो फिर विष्णु ने कहा, तुम्हारा नाम अरिहन है। मैं तुम्हें सरल भाषा में धर्म विरोधी शास्त्र की रचना करने का आदेश देता हूं। ऐसा शास्त्र जो धरती से पृथक स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व को नकार दे। इस शास्त्र का उपदेश त्रिपुरासुरों को दो। यदि उनकी सोच अटल है और महादेव के प्रति उनकी भक्ति अक्षुण है, तो कुछ नहीं होगा। अन्यथा उनका विश्वास
भटक जाएगा और उनका सत्य उजागर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यह वंचक धर्मोपदेशक अरिहन दार्शनिक का रूप धरकर विंदुनमती के राजदुर्ग में पहुंचा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस जड़ पत्थर को आप दुग्ध से नहलाकर दुग्ध क्यों व्यर्थ कर रहे हैं राजन? अगर दुग्ध बहाने की इतनी ही इच्छा है तो स्वयं दुग्ध से स्नान कीजिए, सुख भोगे राजन सुख। नहीं तो दुग्ध का मिष्ठान बनवाकर उसका आनंद उठाइए। कौन हो तुम और मेरी पूजा में व्यवधान डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अरिहन हूं मैं, परम आनंद प्राप्ति का मार्ग बताने वाला नवीन धर्म का रचयिता। हम तो स्वयं ही शिव जी के भक्त हैं जो सदैव आनंदमय रहते हैं। अवश्य, परंतु उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको कितना श्रम करना पड़ता है और ये छिपा नहीं है मुझसे। परंतु मेरे पास सुख भोगने की ऐसी कुंजी है जो मनुष्य को बिना श्रम के ही सुख सागर में डुबोकर तृप्त कर देती है। एक एक करके वो अरिहन तीनों भ्राताओं के पास गया, उन्हें वही परमानंद की कथा सुनाई और उनका ध्यान शिव आराधना से हटाने के लिए उन्हें अधर्म मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प चढ़ाकर पत्थर की पूजा करने से सुख प्राप्त नहीं होता राजन, अकारण परिश्रम है ये, व्यर्थ में समय गंवाना है राजन। जो समय आप पूजा पाठ में नष्ट कर रहे हैं उसे सुख भोगने में लगाइए राजन, सुख भोगने में, शक्ति का विस्तार करने में लगाइए, तभी तो सदैव सुरक्षित रहेंगे आप। मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो आपके समस्त सुख द्विगुणित हो जाएंगे राजन। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए, डूब जाइए भोग विलास में। ये लघु जीवन होता ही है सुख भोगने के लिए राजन, इसे व्यर्थ में नष्ट मत कीजिए। आपके दोनों भ्राता भी अपना मत परिवर्तित कर चुके हैं, मेरे इस नवीन धर्म को अपनाकर स्वीकार कर वो परम सुख समृद्धि और विलासिता की चरम सीमा को भोग रहे हैं राजन। मेरे इस नवीन धर्म को अपनाकर स्वीकार कर वो परम सुख समृद्धि और विलासिता की चरम सीमा को भोग रहे हैं राजन। तब हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। तब तो हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। तब तो हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। विष्णु की सिखाई अरिहन की ये छलयुक्त सीख त्रिपुरासुरों को तर्क संगत लगी, उसके लुभाव में विचार सभी ने अपना लिए और त्रिपुर की सोच बदलते ही राजा और प्रजा दोनों पूजा पाठ छोड़कर भोग विलास में डूब गए, जिसके कारण त्रिपुर से भगवान शिव का संरक्षण हट गया। देवताओं की याचना पर महादेव ने त्रिपुरासुरों का वध करना स्वीकार कर लिया। यही समय था जब उन तीनों के महान भव्य दुर्ग वाले नगर एक पंक्ति में भी आने वाले थे। ऐसे में महादेव का रथ बनी पृथ्वी देवी। स्वयं ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से उतरकर महादेव के रथ
पृथ्वी के सारथी बने और विष्णु बने उनका धनुष। बदलकर विष्णु ने त्रिपुरासुरों के संहार का उपाय किया। राम ने धर्म की सोच का प्रचार कर वानरों का सहयोग पाया। वैसे ही हम भी अपनी निशाचरी सोच से धर्म का विनाश कर अधर्म का विस्तार करेंगे। राम की सोच मिटेगी तो राम भी मिट जाएगा। इस राम का अस्तित्व तो तभी तक है जब तक मैं हनुमान के समान सबके हृदय में अपना स्थान बनाकर उनकी सोच का हिस्सा बना रहा हूं। मैं बस एक इसी ध्येय को धारण कर अपने राज्य की सेवा करता रहूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 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 रामचंद्र की। आज जहाँ जहाँ राम की जय जयकार हो रही है वहाँ वहाँ कल हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। हम उनके शरीरों पर नहीं उनकी आत्मा और विचारों पर उनके मन पर आक्रमण करेंगे। अयोध्या में धर्म पर आधारित राम राज्य स्थापित होगा। धर्म से भटकाकर राक्षस राज स्थापित करेंगे। जय हो निशाचरी सोच की। जय हो, जय हो। प्रभु अब हमें आज्ञा दे। अब समय आ गया है कि हम भी यहां से प्रस्थान करें, अपने राज्य जाएं और आपकी सोच का विस्तार करें। प्रभु यहाँ आकर आपको देखकर जो कुछ सीखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ उसके परिणाम स्वरूप हम अपनी प्रजा की अच्छी सेवा कर सकेंगे। प्रभु आ, 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 आ,
मेरी शक्ति तुम्हारे पास भी है। जाओ विश्व के कोने कोने में विषपूर्ण काली निशाचरी सोच का विस्तार करो, अधर्म का विस्तार करो, सोच बदलो, शत्रु मिटा। समय हो गया है, जाना अनिवार्य है, परंतु सत्य कहूं प्रभु, अयोध्या छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं भी आप सभी से विलग नहीं होना चाहता, परंतु आप में से किसी को रोक भी नहीं सकता। क्योंकि हम सभी का अपने अपने प्रजाओं के प्रति एक दायित्व है, जिसे निभाने के लिए हमें वहां होना आवश्यक है। इसलिए अपने अपने राज्यों का जो पदभार आप सब पर है, उसे निभाने के लिए तो आपको लौटना ही होगा। फिर तो मर्यादा से बंधे प्रभु मुझे भी नहीं रोक सकते। हनुमान, तुम महाराज सुग्रीव के मंत्रिमंडल के सदस्य हो, इसलिए तुम भी अपने दायित्व से बंधे हो, इसलिए जाकर भी मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। मर्यादा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे राजा हो या सामान्य नागरिक।